जिसने हाथ खींचा था, लेकिन उसे भी उसे झड़क दी। ठीक है ठीक है ठीक है दीपक, दीपक रुकिए, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी सफलता भी कहेंगे, देरी जरूर हुई लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में साहिल आ चुका है। यानी कि अब ये जानकारी मिलेगी कि आखिर कैसे इसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई, क्या आखिर उस लड़की से साहिल का संबंध था, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सर पर ऐसा खून सवार हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है साहिल को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस पर भी सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर जब ये कल रात का मामला है और वो सीना चौड़ा करके कानून को चुनौती देकर वहां से निकल जाता है, तो आखिर अभी तक खाली हाथ पुलिस क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यानी कि आप सोचिए, कल वो दिल्ली में मर्डर करता है और उसके बाद चूंकि रात का वो मामला था और आज वो उसके बाद उत्तर प्रदेश निकल जाता है, बुलंदशहर वो चला जाता है, और वो इस सोच में जरूर होगा कि पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। जो अपराध इससे पहले उसने देखे होंगे, सुने होंगे, उसमें उसको ये जरूर लगा होगा कि सर राह में किसी को मार दूंगा तो अभी बहुत समय लगने वाला है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी पुलिस की भी कहेंगे, जो लगातार 6 टीमें चूंकि बनाई गई थी, 6 टीमें बनी हुई थी जो साहिल को हर जगह, हर संभव जगह जहां पर साहिल हो सकता था तलाश की जा रही थी। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल जो कि अपना फोन स्विच ऑफ कर चुका था, उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, जो साहिल के साथ के भी लोग हैं, क्योंकि एक सीसीटीवी में उसका दोस्त भी नजर आया, उससे भी पूछताछ की गई थी, उससे भी जानकारी जुटाई गई थी। अब ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लग गई है, लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है कि आखिर साहिल के सर पे खून ऐसे क्यों सवार हुआ। दीपक मेरे सहयोगी वहां पर है, वो लोगों से बात करेंगे। दीपक का मैं रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ी सफलता भी पुलिस के लिए कहेंगे, क्योंकि पुलिस पर भी सवाल था। जिस साहिल ने, जिस जल्लाद ने निर्मम तरीके से उस 16 साल की लड़की को मौत के घाट उतारा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार चाकू से वार किया, और जब उसे तसल्ली हुई इस बात की कि चाकू से वार करने के बाद, पत्थर से वार करने के बाद, लात मारने के बाद, जब वो लड़की मर चुकी है, उसका वजूद वो मिटा देना चाहता था, आखिरकार उस साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, बहुत बड़ी खबर है, साहिल गिरफ्तार हो चुका है, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात करिए, उनका भी रिएक्शन आप जानिए। दीपक देखिए, बिल्कुल हम यहीं पर इसी स्पॉट पर हैं और यहां पर लोगों से पूछते हैं, क्योंकि ये खबर आ रही है कि साहिल को पकड़ा गया है, और किस जगह से पकड़ा गया है ये जानकारी मिली कि बुलंदशहर इलाका जो यूपी का है वहां पर उसकी मौजूदगी थी। पुलिस का कहना है कि पूरी तरह से इस खबर को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि कुछ देर बाद